एवरीवन, वेलकम। आई एम शिल्पी एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है वार्डरोब एसेंशियल्स, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 पैंट्स और जींस जो आपकी वार्डरोब में होनी ही चाहिए, जिसको आप डिफरेंट डिफरेंट वेज में स्टाइल कर सकते हैं, ऑफिस के लिए, कैजुअल वेयर के लिए, पार्टी के लिए, या फिर आपको कॉलेज जाना है तो आप उनको स्टाइल कर सकते हैं, आप उनसे काफी सारे आउटफिट क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपके पास ये वाली जीन्स और पैंट्स हैं तो आप इनसे कितने सारे ही आउटफिट बना सकते हैं। ये सारी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ज्यादा वर्सेटाइल होती है और आप इनमें जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपके साथ एक और वीडियो शेयर की थी वार्डरोब एसेंशियल्स की, वो भी आपको काफी पसंद आई थी, तो मुझे लगा आपके साथ ये शेयर करनी चाहिए, बिकॉज ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। आपको इसमें पता लग पाएगा कि आप कौन सी पैंट्स में या कौन सी जींस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आपके लिए नए नए वीडियोस और लेके आ पाऊं। और आप मुझे मोर अपडेट्स के लिए इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है style.n.9। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। जींस जो आपकी वार्डरोब में होनी ही चाहिए वो है एक गुड पेयर ऑफ ब्लैक स्किनी जींस। ये काफी ज्यादा वर्सेटाइल होती है, मतलब कमाल होती है, एक इसमें आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे पास ये हाई वेस्टेड है, आप कोई भी हाई वेस्टेड या लो वेस्टेड ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप जींस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हाई वेस्टेड ही रहे, उससे आप उसको क्रॉप टॉप के साथ, आप उसको कोई भी, अगर आपको ब्रालेट के साथ आपको उसका स्टाइल करना है तो काफी ज्यादा वो स्टाइलिश लगती है। तो मेरे पास जो है ये है मेरे पास मैडम की, और इसमें जो मैंने अपना साइज लिया हुआ है वो है 30। तो आप एक ब्लैक स्किनी जींस में जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज आपको अगर इसको कैजुअल लुक चाहिए तो आप उसको कोई भी ग्राफिक टी एंड शूज के साथ स्टाइल कर सकते हैं। अगर आपको कोई ड्रेसअप होना है, मतलब, तो आप कोई भी बटन एंड डाउन शर्ट के साथ, या फिर जो स्ट्रेपी वाली स्पैगेटी होती है एंड नीचे स्टेप वाले सैंडल, उसके साथ इसको स्टाइल कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश एंड स्लीक लुक आता है। तो एक ब्लैक जो ये वाली जींस है, स्किनी जींस, वो आपके पास होनी ही चाहिए। वरना अगर आपको जैसे ऑफिस के लिए इसको स्टाइल करना है तो आप इसके साथ कोई भी सैंडो या ब्रालेट के साथ इसके ऊपर ब्लेजर स्टाइल कर सकते हैं, बिकॉज जो स्किनी जींस होती है उसके साथ ब्लेजर बहुत ज्यादा पॉलिश लुक आता है, बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं। तो आप ब्लैक जींस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं बोलूंगी कि अगर आप ब्लैक जींस को खरीद रहे हैं तो कोई अच्छी ब्रांड की खरीदिए, बिकॉज अगर आप कोई लोकल या फिर ऐसी खरीद लेते हैं उसको क्या होता है, कुछ देर बाद ही वॉश के बाद वो फेडेड होने लगती है, तो वो मजा नहीं आता। तो अगर आप ब्लैक जींस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अच्छे ब्रांड की जींस खरीदिए। मुझको आई थिंक इसको 3 या 4 ईयर्स हो गया है, और आप देखिए अब भी ये बिल्कुल ऐसी ही ब्लैक है, इसका बिल्कुल कलर नहीं गया है। और मैंने आई थिंक उसको 1500 अप्रॉक्स में खरीदा था, लेकिन 1500 वर्थ है, बिकॉज इसका कलर बिल्कुल नहीं गया है, पहनने के बाद बहुत ही कंफर्टेबल है। तो फर्स्ट वार्डरोब एसेंशियल है जींस, ब्लैक स्किनी जींस। नेक्स्ट जींस जो है, जो आपके पास होनी ही चाहिए, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो ये लाइट वॉस्ट एक डेनिम जींस है, हाई वेस्टेड है मेरे पास। आप हाई वेस्टेड में जरूर इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज हाई वेस्टेड जींस अगर आप पहनते हैं तो उसमें टॉल लगते हैं, तो आप हाई वेस्टेड जींस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे पास ये एक शीन की है, एक एचएनएम की है, शीन की मैंने आपके साथ जो भी शीन हॉल किया था उसमें आपके साथ शेयर की थी। ये हाई वेस्टेड होती है तो आप इनके साथ कोई भी ग्राफिक टी पहनते हैं समर्स में, और नीचे इनके साथ स्नीकर्स पहनते हैं तो काफी ज्यादा स्टाइलिश लगती हैं, एकदम समरी वाइब्स वाला लुक आता है। आप इसको कोई ओवरसाइज टी शर्ट के साथ स्टाइल कर सकते हैं, नीचे स्नीकर के साथ। अगर आपको पार्टी में जाना है तो कोई आप इसके साथ सेटन वाले जो टॉप होते हैं, स्पैगेटी वाले, वो स्टाइल कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। इसके साथ आप कोई भी रेड कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, कुछ भी कलर आप इसके साथ स्टाइल करो तो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये बहुत ही वर्सेटाइल है, एक लाइट कलर की जींस में आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे पास ये पूरी हाई वेस्टेड है और नीचे से बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है। आप ऐसे कोई भी इनके साथ आप क्रॉप टॉप भी पहन सकते हैं, बिकॉज क्रॉप टॉप हाई वेस्टेड जींस के साथ काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप इनके साथ ब्लेजर भी स्टाइल कर सकते हैं, आप इनके साथ व्हाइट कलर की शर्ट बहुत अच्छी लगती है इसके साथ। तो आपके पास एक ये जो लाइट कलर की जो जींस है डेनिम में, वो जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट जींस जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है डार्क पेयर ऑफ डेनिम जींस। मेरे पास डार्क है, लो वेस्ट वाली जींस है एंड एंकल लेंथ है। लो वेस्ट अगर एंकल लेंथ होती है तो काफी ज्यादा अच्छी लगती है, ये ऐसी ही है मेरे पास, बिल्कुल लो एंकल लेंथ में है। इसका जो ब्रांड है वो है लिवाइस और मेरे इसमें साइज है 28। जो ये वाली जींस होती है डार्क कलर की, आप इनके साथ कोई भी बेसिक टी, एकदम नॉर्मल प्लेन टी शर्ट पहनते हैं, वो काफी ज्यादा कूल लगती है।
आप इनके साथ कोई भी स्ट्रेपी टॉप पहन सकते हैं, बॉडी सूट पहन सकते हैं, बिकॉज अगर लो वेस्ट है तो आप बॉडी सूट भी पहनेंगे तो वो काफी अच्छा लुक आएगा। इवन आप इसके साथ कोई भी पेस्टल कलर के ब्लेजर को स्टाइल कर सकते हैं, वो भी काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप जीन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक अच्छी ब्रांड की जीन्स में इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज उससे क्या होता है कि अगर आप उसको वॉश भी कर लेते हैं तो उसका कलर फेड नहीं होता है, उसका जो फिटिंग होती है वो बिल्कुल भी लूज नहीं होती है, मतलब जैसी पहली है वैसी रहती है। एंड वैसे भी जीन्स ऐसी चीज है कि आप उसको बार बार नहीं वॉश करते, तीन चार बार जब उसको हम पहन लेते हैं तो ही वॉश करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप जीन्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक कोई अच्छे ब्रांड की ही जीन्स में इन्वेस्ट कीजिए, और एक डार्क कलर की जीन्स आपके पास होनी ही चाहिए, बिकॉज आप उसको बहुत सारे कलर्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं। मतलब डार्क कलर की जीन्स हो तो बहुत सारे कलर्स ऐसे हैं जिसके साथ आप उनको स्टाइल कर सकते हैं। तो थर्ड जो आपकी वार्डरोब एसेंशियल है बॉटम में, वो है एक डार्क पेयर ऑफ गुड डेनिम जीन्स का। नेक्स्ट जो है जीन्स जो आपके वार्डरोब में होनी ही चाहिए वो है ये फन पैंट्स, मतलब कार्गो पैंट्स। ये वाली पैंट्स मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है, इसमें आप ऐसे जोगर्स स्टाइल में भी ले सकते हैं। मेरे पास एक ये है ऑलिव ग्रीन कलर की, इसका जो कलर है वो ऑलिव ग्रीन कलर है, इसका जो ब्रांड है गाइस वो है जारा, और इसमें मेरा साइज है EUR 32। इसको भी मैंने सेल में परचेज किया था, आई थिंक 1500 या 1600 के अप्रॉक्स थी। जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार जीन्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं तो 4 से 5 साल आराम से चल जाती हैं। ये वाली जीन्स बहुत ज़्यादा कूल लगती हैं, आपको मूवी नाइट के लिए जाना है, आपको कहीं डे आउट के लिए जाना है जिसमें आप कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, आपको एयरपोर्ट लुक चाहिए, तो इनके साथ कोई भी आप क्रॉप टॉप स्टाइल करें, क्रॉप टी स्टाइल करें तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, बिकॉज इनका जो फैब्रिक है बिल्कुल एकदम ऐसे नहीं है जैसे डेनिम वाला फैब्रिक होता है, लाइट सा बिल्कुल एकदम कॉटन में फैब्रिक होता है, तो ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल होती है। हाई वेस्टेड भी है, जैसे आपको लॉन्ग आपको कहीं जाना है मतलब काफी टाइम के लिए और आप कंफर्टेबल रहना चाहते हैं तो आप इस टाइप की पैंट्स में जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल एकदम कार्गो स्टाइल में है, एक तो ये कंफर्टेबल बहुत रहती है, इनमें गर्मी नहीं लगती समर्स में तो खास करके, और बहुत ज्यादा स्टाइलिश लुक आता है। सेकेंड मेरे पास है एक ये व्हाइट कलर की, जैसे मेरे पास ये जॉगर स्टाइल में है वैसे ही बिल्कुल एकदम ऐसे स्ट्रेट में है एकदम से, ये भी काफी खुली खुली रहती है। ये मैंने आपके साथ अभी अपने जो मैंने कूव्स हॉल बनाया था उसमें भी आपके साथ शेयर की थी, तो आपको काफी ज्यादा पसंद आई थी। बिल्कुल ये जैसे वो जॉगर वाले स्टाइल में थी, ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट में है। सेम इनके साथ भी वही है कि मतलब आप उनको मतलब कंफर्टेबल रहना चाहते हैं और आपको कहीं लॉन्ग जर्नी करनी है तो आप ऐसी वाली जो ये कूल पैंट्स होती हैं मतलब फन पैंट्स, कार्गो पैंट्स, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट जो मैं पैंट्स आपके साथ शेयर करूंगी गाइज वो है ये क्रॉप वाली जो कॉटन में पैंट्स होती हैं, मतलब ये समर्स के लिए तो ऐसा है कि ये समर्स के लिए बनी है। एक तो ये बहुत ज्यादा ऐसे लूज वाली होती हैं तो इनसे काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगती हैं ये समर्स में, बिल्कुल उनका फिट ऐसे। ये भी हाई वेस्टेड ही है मेरे पास, ये मैंने शीन से मंगाई थी और आई थिंक मैंने इसको 400 या 500 की रेंज में ही मंगाया था, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं मतलब लोकल मार्केट से या फिर आप कोई भी ब्रांड का देख सकते हैं। इसमें दोनों साइड से पॉकेट भी है, हाई वेस्टेड होता है, आप इनको कोई भी टी शर्ट के साथ पहन सकते हैं, आप इनको क्रॉप टॉप के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बिकॉज उससे इसमें हल्का सा बिल्कुल टमी दिखता है जिससे बहुत ही एकदम स्लीक एंड पॉलिश लुक आता है। मुझे ये जींस काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये वाली पैंट्स, बिकॉज ये क्रॉप होती हैं, आप इनके साथ कोई स्ट्रैपी वाले सैंडल एंड क्रॉप टॉप पहनिए और किसी भी आप उसको एकदम पार्टी में इसको स्टाइल करके जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। समर में तो कंफर्टेबल होगी, जींस में बहुत बार ऐसे लोग होते हैं कि वो जींस में कंफर्टेबल नहीं होते, तो आप ऐसी वाली जो पैंट्स है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड मेरे पास एक ये ब्राउन कलर में है, ये हल्की सी सेमी कॉटन में है, लेकिन जो मेरे पास ये वाली है ये प्योर कॉटन में है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी और आई थिंक ये तो 400 के समथिंग ही थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये काफी अच्छी है। ये देखिए ये पूरी ये भी ऐसी है, ये भी क्रॉप में है, हाई वेस्टेड है, येलो कलर में ली, ऐसे में पिंक कलर भी आप ले सकते हैं, बट ये ब्राइट कलर में लो तो आप ज्यादा अच्छा लगता है। इवन आप व्हाइट कलर की ऐसी ले सकते हैं, व्हाइट कलर भी में बहुत अच्छा लगता है, तो जो ये कॉटन वाली पैंट्स होती है आप इनमें जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये समर्स के लिए तो परफेक्ट है। अगर आप जीन्स वाले पर्सन नहीं है कि आपको जीन्स पहनना नहीं पसंद है और आपको पैंट्स पहनने का मन है तो आप जो ये वाली जीन्स सॉरी ये वाली पैंट्स होती है आप इनमें इन्वेस्ट करें। ये सब मैंने आपके साथ बॉटम्स जीन्स और पैंट शेयर की थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ ऐसा कोई इंडियन या फिर शॉर्ट्स स्कर्ट वाला ऐसा कोई आपके साथ बॉटम वियर एसेंशियल शेयर करूं जो आपके वार्डरोब में होना चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं इसका पार्ट टू जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो कैसी लगी, अगर हेल्पफुल लगी और पसंद आई तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मैं आपके साथ नई नई वीडियोज और शेयर कर पाऊँ, और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें जिससे मैं सारी जो वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
थैंक यू, टेक केयर।